आज दिल्ली के अंदर है। लगभग 23 जुलाई को हम लोग निकले थे और आज 26 नवंबर को पहुंचे हैं। हमारा एक उद्देश्य कि समाज के जितने भी नेता हैं, मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मिश्रा, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, समाज के जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो नेतृत्व तो करते हैं, उन तमाम लोगों के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब लोग एकजुट हो जाएं, इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने घर की बातें कोई भी कहता रहेगा लेकिन समाज एकजुट है और हमारे नेता भी अंदर खाने एकजुट होने की बात कर रहे हैं और हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता से मजबूत तो कुछ है नहीं और जो सत्ता में होता है वो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर बहुजन समाज के लोगों की जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अभिषेक कुमार जाटव। क्या कहेंगे, किस तरीके से संविधान खतरे में आ गया है? देखिए, हम ये जानते हैं कि संविधान खतरे में होने के लिए सिर्फ संविधान को बदलना ही जरूरी है। संविधान खतरे में इसलिए भी है कि आज मुझे रखने पे हत्याएं हो जाती हैं, आज पानी का मटका छूने पे हत्याएं हो जाती हैं, आज अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते हैं तो आपको इतना सोशली हैरेसमेंट किया जाता है कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। आज भी इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में कितना योगदान उन लोगों का है जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। तो हम लोग भारत के संविधान को पुनः बचाने के लिए संकल्पित हैं और इसीलिए हम लोग निकले हैं। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है बचाने के लिए संविधान को? हम लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से निकले थे। इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच, गैरतगंज, रायसेन, राहतगढ़, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, फिर आज दिल्ली के अंदर है। लगभग 23 जुलाई को हम लोग निकले थे और आज 26 नवंबर को पहुंचे हैं। हमारा एक उद्देश्य कि समाज के जितने भी नेता हैं, मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मिश्रा, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, समाज के जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो नेतृत्व करते हैं, उन तमाम लोगों के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब लोग एकजुट हो जाएं, इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने घर से। समाज के दो बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद और मायावती, उनके आपस में ही नहीं बन रहा है? बनेगा ना, ये समाज ने तो उन दोनों को वहां तक पहुँचाया है, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, कौन कहता है, तो नीचे के लोग डिसाइड करते हैं आपस में। कभी मायावती जी के मुंह से सुना कि वो चंद्रशेखर की बुराई कर रही है? लेकिन बोला भी तो नहीं जब उन पर अटैक हुआ। कभी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में उनों के मुंह से सुना कि वो मायावती जी के बारे में कुछ कह रहे हैं? तो उलझुल जुलझुल बातें कोई भी कहता रहेगा लेकिन समाज एकजुट है और हमारे नेता भी अंदर खाने एकजुट होने की बात कर रहे हैं और हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा सवाल होता है कि क्या संविधान इतना कमजोर हो गया है, क्या संविधान हमारा इतना कमजोर हो गया है कि एक ट्वीट से खतरे में आ जाता है? जब सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता से मजबूत तो कुछ है नहीं और जो सत्ता में होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए संविधान जब वो अपने बिल्कुल उसमें होने के बाद, मजबूती से देश की सत्ता में स्थापित होने के बाद, हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में के चिल्लाते रहते हैं, तो हमारा संविधान तो फिर भी उन लोगों को चुभता है आंखों में, तो वो तो बिल्कुल खतरे में उनके राज्य। क्यों चुभता है संविधान? क्योंकि संविधान इसलिए चुभता है कि जिस समाज के लोग कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठ सकते थे, जिस समाज के लोग IAS IPS PCS जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर नहीं बन सकते थे, जिस समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू होती थी, आज उसी समाज का व्यक्ति जब कलेक्टर बन जाता है, जब IAS बन जाता है, जब IPS बन जाता है और उनको सल्यूट मारना पड़ता है तो उनके पेट में दर्द होता है, इसीलिए उनको संविधान बुरा लगता है। साहब ने संविधान में और आरक्षण भी दिया है और उसी आरक्षित सीटों से लोग सदन में भी बैठे हैं, बहुजन समाज के ही लोग बैठे हैं, वो लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? देखिए, हमने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो सदन के अंदर बैठा आरक्षण की, मैंने अभी मन से भी कहा था ना कि आरक्षण की मलाई चाटने के बाद जो लोग आज अपनी टीवी और बीवी में मस्त हैं, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे, उन लोगों को भी हम लोग एहसास कराने का काम करेंगे कि अगर आप मूवमेंट से खिलवाड़ करोगे तो आप सदन में निर्वाचित। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो है ये जनसैलाब है, भीड़ आप देख सकते हैं, युवाओं में जोश देख सकते हैं, ये संविधान दिवस मनाने के लिए जो है जंतर मंतर पर उपस्थित हुए थे और जय संविधान मनाकर, दिवस मनाकर उसकी जो है नारे सुन सकते हैं। जो बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि सूत्रों से किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई जीतनी हो तो इनको आपस में लड़ा दो, ये हम लोगों को आपस में ही लड़ाते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं ताकि हम लोग अपने न्याय को, अधिकार को ना जाने। आप लोग लड़ते हैं तभी तो कोई लड़ा देता है। अरे हम लोगों के पास सोच समझ कहाँ है, हम लोगों के पास सोच समझ कहाँ है ना लड़ने की, अगर नॉलेज हो जाए। आपके पास सोच समझ नहीं है तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, सोच समझ इससे आएगी किताबों से पढ़कर। हाँ।
किताबों को जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक इस किताब को पढ़ के सोच समझ आएगी। हाँ, इसको उसको पढ़ कर नॉलेज आती है, ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? इस किताब को पढ़ने से ये पता चलेगा कि हमारे ऊपर कैसे कैसे दुष्कर्म किए गए, हम पर किस किस चीज की पाबंदी लगाई हुई है। इससे हमें ये पता चलेगा हमारे साथ पिछले टाइम में हजारों साल पहले क्या किया जाता, उससे बचने के लिए लड़ने की क्षमता मिलेगी। लोगों को जानते ही नहीं है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था। आप जन्म लिया है सोचते अरे हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। ये इस पढ़ने से ये पता चलेगा हमारे पुरुषों ने क्या क्या झेला है, क्या क्या भुगता है। इस किताब में सारा इतिहास लिखा हुआ है। इसमें सारा इतिहास नहीं लिखा, लेकिन हमारा इतिहास इस किताब में लिखा हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। गले में मटकी, कमर में झाड़ू, ये इसमें ही लिखा हुआ है। ना पढ़ना लिखना लिखा हुआ है, जमीनों को छीनना लिखा हुआ है, घर मकानों को ना बनाना लिखा हुआ है। कोई आज यहाँ पर ही मनुस्मृति, आज संविधान दिवस है, हाथों में संविधान लेकर चल रहे हैं, आप मनुस्मृति लेकर चल रहे हैं। मैं इसको बाद में सम्मान दूंगा, पहले इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा सबसे पहले। अगर अम्बेडकर बात को लागू करना है इस देश के अंदर तो मनुवाद को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट में, इस किताब में लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि दूसरी जातियों में अपने अपने दूत भेजो। ये हमारे तुम्हारे बीच में अपने अपने दूत भेजते हैं ताकि हमारी तुम्हारी बात सुनकर ये लोग उधर बता सकें। ये वो लोग हैं, ये हमारी तुम्हारी बात को सुनकर उधर से इधर करते हैं। अम्बेडकर बात को लागू करने के लिए इसलिए इस मनुस्मृति को पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक मूल निवासी के लिए। कहा जाता है कि आप लोगों ने उल्टा सीधा गलत सलत मनुस्मृति पढ़ लिया है। मनुस्मृति वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है। अरे वैसा ही है, ये तो इनका खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़े छत्ती से है, ये छत्ती से है। इनका कोई पता नहीं है कि किधर मुड़ जाए, किधर घूम जाए, इनका कोई पता नहीं है। ये है जो किताब, इनको जलन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे मनुवाद के बारे में इस देश के मूल निवासी जान रहे हैं। आप देख सकते हैं युवाओं में कितना जो है जागरूकता और जोश है कि यहाँ पर जो है तस्वीरें, कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई खून से तस्वीर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मनुस्मृति लेकर बता रहा है कि इसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे और संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं और इस बात का खुशी मना रहे हैं कि ये संविधान ना होता तो आज हमारे पास हक अधिकार ना होते हैं। और इसी को लेकर धन्यवाद कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को और आज संविधान दिवस मना रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।